वज़ीर-ए-आज़म की फेटफ की शरायत पूरी होने पर कौम को मुबारकबाद। सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश। GHQ में कायम कोरसेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क्यादत में उनकी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक। फेटफ का एलामिया पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। शहबाज शरीफ। फेटफ रुकन ममालिक पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के मोतरफ तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम किया गया। FATF का इकदाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कड़ी। उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने मुश्किल अहदाफ हासिल करने के दिन रात मेहनत की। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इस मामले पर जो रियासत ने काम किया वो काबिल तारीफ है। आलमी इदारे के फैसले से मुल्की मईशत बेहतर होगी। ये इख्तिताम नहीं आगाज है। अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर पुर उम्मीद। फेटफ प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी। एक्शन प्लान पर अमल से वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। कोरसेल ने सिविल मिलिट्री कोशिशों के जरिए अमल दरामद यकीनी बनाया। GHQ में कायम सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फकर से बुलंद हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। FATF से मुतल्लिक मुश्किल मरहला मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने फेटफ से मुतल्लिक दर्जनों कानून मंजूर करवाए। हमने 34 में से 32 निकात मुकम्मल किए थे। बॉर्डर्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाइयाँ की गईं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3.5 साल में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अदलिया और सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन काम किया। फेटफ के प्लेटफॉर्म पर भारत बेनकाब हुआ। हमाद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेटफ में हमारी कामयाबी में बहुत से लोगों का शानदार किरदार। चेयरमैन HBL सुल्तान अली अलाना को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम की रहनुमाई के लिए आला आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल की। अली जैदी का ट्वीट। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नाइक जाहिद अहमद वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में गोला और बारूद बरामद। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने की दरखास्त मंजूर। कराची की मकामी अदालत का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। अहले खाना ने पोस्टमार्टम करवाने की मुखालिफत की थी। अवाम को एक और झटका लगाने की तैयारी। बिजली 7.96 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई की महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेप्रा 27 जून को समाप्त करेगा। पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का फैसला। सुबह भर में रात 9 बजे बाजार बंद करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी जल्द बंद करने पर गौर। मेडिकल स्टोर बेकरी पेट्रोल पंप्स को इस्तेमाल होगा। पहले मरहले में पाबंदी 2 माह के लिए होगी। वजीर आला हमजा शहबाज की ताजिरों से आज शाम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अहसन इकदाम। मुफ्त अद्वियात के लिए नकद रकम कैंसर के मरीजों के अकाउंट में मुंतकिल होगी। न्यू हॉस्पिटल और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहदा तय। मुफ्त अद्वियात की तसलसल से फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमजा शहबाज। और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी के ढोका लखान में सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। गलियात और मरी में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगियानी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें। बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहने की पेशगोई।